पिछले कुछ समय से मलेशिया भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा हाल किया कि मलेशिया की अक्ल ठिकाने आ गई। दरअसल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने भारत की आलोचना की थी। उसके बाद CAA के खिलाफ भी मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत पर निशाना साधा था, जिसके बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात का बहिष्कार किया, जिससे मलेशिया की बाजार में हड़कंप मच गया। मलेशिया को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि मलेशिया भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल सप्लायर था। कुछ दिन पहले मलेशिया ने भारत से इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश भी की। मलेशिया ने कहा कि हम भारत से इस मुद्दे पर बात करेंगे ताकि कोई समाधान निकल सके, लेकिन भारत ने मलेशिया को कोई भाव नहीं दिया। जिसके बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने कहा कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी माना कि भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के सामने मलेशिया कहीं नहीं टिकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत पर कार्रवाई करने के लिहाज से बेहद छोटे हैं। बहरहाल PM महातीर को अब समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ा। PM महातीर का बयान ऐसे समय में आया है जब खबर है कि भारत मलेशिया को एक और झटका देने वाला है। सूत्र बताते हैं कि मलेशिया से आने वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप पर भी भारत रोक लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।